आज सुना है कि वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली, क्या एक डेड बॉडी मिली और सामान चोरी भी और का था। सामान चोरी हुआ वो है, क्या हुआ चोरी? सिलेंडर चोरी हो गया, बड़ा वाला फुल सील। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम चौहान, स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवभूमि उत्तराखंड ऑफिशियल में। दोस्तों मैं अभी हूँ केदारनाथ में, केदारनाथ में मीठा पानी में, मीठा पानी गौरीकुंड से 5 किलोमीटर ऊपर मीठा पानी में। तो 31 जुलाई आपदा के बाद, भयंकर आपदा के बाद एक बार फिर से केदारनाथ यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। धीरे धीरे देख सकते हैं आप मेरे पीछे यात्रा चल रही है, सुबह से ही सवारी के घोड़े भी जा रहे हैं और सामान के घोड़े भी जा रहे हैं। तो दोस्तों 31 जुलाई को जब रात 7:30 बजे जो बादल फटा था यहाँ ऊपर ऊपर कहीं जंगल में बादल फटा था, यहाँ पर जो प्रमोद भाई की दुकान थी वो सारी बह गई थी, देख सकते हैं आप, और पूरी बह गई, सामान सुमान सारा दब गया, सारा नुकसान हो गया। और यहाँ पर हमारे प्रधान जी की दुकान थी वो भी, उसको भी बहुत नुकसान हुआ है, देख सकते हैं आप, ये सारा कुर्सी टेबल टूट गए हैं। और यहाँ ऊपर से यहाँ ऊपर फटा था कहीं बादल दूर जंगल में, और ये देख सकते हैं नीचे सिलेंडर सारे यहाँ नीचे बह गए हैं। और देखो सिलेंडर में एक छेद भी हो रखा है सिलेंडर में। तो दोस्तों जो बीच में जो बात चल रही थी झील बनने की, तो ये मेरी दुकान के मीठा पानी के ठीक पीछे यहाँ ये सारा ऊपर से टूट के यहाँ नीचे झील बनी थी। हालांकि वो 2-3 दिन में पानी निकलने लग गया था धीरे धीरे। अब देख सकते हैं यात्रा भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है और लोगों के मन से भय दूर हो गया है, लोग उन्हें अब किसी ने अपने दुकानें भी खोल दी है। ये दोस्तों मेरी दुकान यहाँ पर, उसके सामने देख सकते हैं, उसके ठीक सामने यहाँ पर फटा था बादल और वो दो दुकानें दब गई थी और मेरी दुकान को भी बहुत नुकसान हो गया था, बहुत सामान बह गया था मेरा भी। तो अब मैंने फिर से दोबारा सामान मंगाया, थोड़े बहुत दुकान स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी नुकसान हुआ है। ये देख सकते हैं धीरे धीरे यात्रा ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है। जो मेरे दुकान के नीचे ठीक है मुकेश भाई, और इन्होंने भी अभी दुकान अपनी दुकान नहीं खोली है, आएंगे वो 2-3 दिन में जैसे ही यात्रा और तेज होगी। तो देख सकते हैं, और नेगी जी सबसे पहले आ गए थे यहाँ 31 तारीख को, नेगी जी आ गए थे सबसे पहले, नेगी जी आए, बुजुर्ग आदमी सबसे पहले आ गए थे, नेगी जी ने सबसे पहले यहाँ दुकान खोली अपनी। और देख सकते हैं नेगी जी अभी वहाँ पे फोन पर बात करेंगे, अभी उनसे बात करेंगे। अरे हमारे भरत भाई तुम यही थे, भरत भाई घर भी नहीं गए हैं, तुम्हें भी हुआ कुछ नुकसान? नुकसान नहीं हुआ। अच्छा तुम मतलब यहीं रहे? नहीं रहे। अच्छा यहाँ पे कुछ और ज्यादा नुकसान कितना हुआ प्रधान जी? और का दुकानें टूट गई और सामान का नुकसान बहुत ज्यादा। अच्छा आज सुना है कि वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली, क्या एक डेड बॉडी मिली? अच्छा ठीक है, ये थे हमारे भरत भाई जो यहीं रहे, लोग तो घर चले गए थे, भरत भाई यहीं रहे, उनके घोड़े यहीं फंसे रहे थे ऊपर। और यात्रा की बात करें तो ये देखो दोस्तों यात्रा ठीक ठाक चल रही है अभी धीरे धीरे, अब जैसे 14-15 तारीख से यात्रा फुल चलेगी, 14 सारा आदमी होते हैं उनमें फुल यात्रा चलेगी। और ये भाई लोग अभी आए नहीं, अभी दुकान वाले अरे आ गया, कब आया? मैंने कहा अच्छा आओ, मुनी मोर नहीं आए? मुनी मोर भी आए? ये दोस्तों मुनीम की दुकान, मुनीम तो अभी आया नहीं, उसने अपना एक साथी भेजा है। तो भाई कब आए? कल आए भाई, कल आए। और कल दुकान खोली है, सारा साफ सफाई कर दी और सामान चोरी भी और का था? सामान चोरी हुआ हुए, क्या हुआ चोरी? सिलेंडर चोरी हो गया, बड़ा वाला फुल सील पैक। अच्छा सिलेंडर चोरी हो गया और एक काठी चोरी हो गई। काठी कहाँ थी? डेरे में। अच्छा वो तो मेरी है, वो काठी मेरी है ना, वो मेरी है, वो वहीं है, वो मनोज भाई के पास है। अच्छा मिल गई? हाँ वो अभी बोल तो रहे थे लेकिन मैंने अभी देखी नहीं, वो कह रहे थे ठीक है। चलो ठीक है, आपको उसका मुआवजा दिया जाएगा, सिलेंडर जो भी आपका सामान चोरी हुआ है। ये देख सकते हैं सवारी के घोड़े भी सुबह से ही चल रहे हैं।
दोस्तों अभी 10:30 बज रहे हैं दिन के, और मौसम की बात करें तो मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की धूप खिली है और आप आ सकते हैं आजकल यात्रा करने। देख सकते हैं प्रशासन ने 1 महीने में पूरा रास्ता तैयार कर दिया है, हालांकि अभी ठीक से नहीं बना है। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तब तक देवभूमि उत्तराखंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद। मैं उत्तम चौहान।